नहीं पता मैं आज यहाँ पे शो कर रहा, क्योंकि इसी जगह पे मैं तीन बार स्टेज बना हुआ है, एक डांस करने के लिए मुझे मौका नहीं मिला था। यहाँ पे तीन बार किसी का शो हुआ था तो सिर्फ मुझे डांस करना था, वो भी एक मिनट खाली, सिर्फ एक मिनट खाली मुझे खाली मौका चाहिए था। तीन साल से पीछा पड़ा था, खाली मुझे डांस करा था खाली स्टेज पे बस, और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला मौका। लेकिन जिस तरीके से आज उसी जगह पे आज मैं पता नहीं मैं कैसे कर लिया शो, तो मैं उसी जगह पे मैंने शो किया तो मुझे बहुत, सबसे पहले वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है ये तमाम जो कोरोना योद्धा जो यहाँ पर आए हिंदुस्तान के तमाम वो एरिया से, DPIF कोविड 19 योद्धा अवार्ड जो हमने आज पेनिनसुला में किया, और तमाम लोग यहाँ पर आए, सभी ने अच्छा बातें बोले, बहुत लोगों ने कविता दीदी ने गिफ्ट लेके आए, सुरेखा दीदी ने गिफ्ट लेके आए, हिंदुस्तानी भाव ये तमाम लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, तो वो सबसे बड़ी बात है। और मैं सभी को नमन करता हूँ, ये तमाम योद्धा को, जितने भी योद्धा को आज सम्मान मिला है उन सभी को मैं नमन करता हूँ। जिसको नहीं मिला, मेरा 4,500 प्रोफाइल आए थे मेरे ईमेल में, सबको दे नहीं पाया, लेकिन मैं सॉरी कहता हूँ कान पकड़ के। आज मैंने 135 अवार्ड आज दिया मैंने, और कल जो मेरा शो है राम साहेब फाल्के आइकन ओवर फिल्म, जो पिछले साल मेरा रंग शारदा में हुआ था, आज ये शो खत्म, अभी कल का शो है, सोया नहीं 4 दिन से मैं, बचपन से लेके अब तक जो मैं पहुंचा हूं ना यहाँ पर, तो शायद इसी जुनून की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, नहीं तो चार्ट तक पड़ा हुआ अनपढ़ खबर कौन खड़ा करेगा। तो दोस्तों मैं जो भी कुछ हूँ इस मुंबई की मिट्टी को मैं नमन करता हूँ, इस महाराष्ट्र के राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूँ, यहाँ के जो मराठी लोग हैं जो बाजू में खड़े हैं इनको मैं नमन करता हूँ, मेरी वाइफ भी मराठी है उनको मैं नमन करता हूँ, और मेरी कुलदेवी माता उनको मैं नमन करता हूँ। बेसिकली मैं दादा साहब फाल्के अवार्ड में शुरू नहीं करता था, अगर एक आदमी मुझे स्टेज पे अगर डांस कराने नहीं देता तो मैं दादा साहब फाल्के शुरू नहीं करता। और इस जगह पे मुझे तीन बार डांस करने को नहीं मिला तो मैंने कसम खाया था इस मिट्टी को चूमकर, चुमा था जब मैं इस मिट्टी को चुम रहा मैं इसी जगह पे एक दिन मैं शो करेगा। मैं यवतमाल जिला आदिवासी जिला कहता है वहाँ से आया हूँ। एक्चुअली हमने कोरोना में काफ़ी काम किया है, जैसे कि भाई साहब ने बोला है दाना सर ने कि हमने जो कोरोना पूरे अभी हमने प्रोग्राम देखा, हम तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे प्रोग्राम करते हैं समता साहित्य अकादमी की ओर से। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर सभी स्टेट से आकर जाना भाई ने सभी को कोरोना योद्धा को यहाँ पर उनका सम्मान किया हुआ है। मेरा नाम दीप्ति नागरेचा है एंड मैंने ये पैंडेमिक में एक फेसबुक कम्युनिटी शुरू किया जिसका नाम है यूनाइट, बिकॉज मुझे लोगों को यूनाइट करना था और मुझे चाहिए था कि ये टाइम में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ज़रूरतें थी, तो हमने बहुत सारी दवाइयाँ इंजेक्शन्स कोविड रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए था हमने एक यूनाइट हेल्प स्क्वाड शुरू किया था जिसके रिलेटेड हमने लोगों की मदद की एंड that Mr. Kalyanji has started this initiation and very good stuff that they did today and thank you so much for this honor. आज है कि आज इतना बड़ा इवेंट इतने अच्छे तरीके से उन्होंने किया, मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो भी करते हैं वो एक वेल अच्छे से वेल प्लानिंग से करते हैं। आज इतने सारे लोगों को पूरे हिंदुस्तान से पूरे इंडिया से आज लोग यहाँ पे आए हैं जो कि सिर्फ कोविड 19 के जो वॉरियर थे उन लोगों को आज फेलिसिएट किया है। कल का जो मेन प्रोग्राम है वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है और यहीं पे होने वाला है, तो मैं हमारी पूरी टीम को, हमारी पूरी कमेटी मेंबर को, हमारे साथी जितने भी लोग हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग। उसके बाद मैं कल्याण जी जाना जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये काम जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट बल्कि इंडिया गवर्नमेंट करना चाहिए। जिन लोगों ने कोरोना काल के अंदर में जो है भारत की जनता को जो है सहायता की, उनकी मदद की, या किसी भी हेल्प से, चाहे उनको जो है दवा के जरिए से, पैसे के या राशन के जरिए से, हालांकि होना चाहिए था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बुला के ऐसे एन जी ओ को सम्मान करना चाहिए था मगर बहुत। या मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले तो थैंक यू टू एवरी वन हुज़ हियर
इसलिए क्योंकि जो भी हमारे साथ आज थे अवॉर्डी सारे वॉरियर्स हैं और फ्रंट लाइनर्स जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है इन ब्यूटीफुल 9 महीनों में. मैं ब्यूटीफुल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सब ने सीखा है अच्छा इंसान बनना. इट्स ऑल अबाउट लव एंड कंपैशन. तो इनका सम्मान करना बहुत बड़ी बात है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द रेसिपिएंट्स ऑफ द प्रेस्टिजियस योदा अवार्ड्स 2K20 ब्रॉट टू यू बाय द वेरी वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन. जो बहुत ही स्पेशल हम अवार्ड्स हो रहा है ऑन द 23rd ऑफ नवंबर एंड द 24th ऑफ नवंबर. तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कल्याण जी जाना और अंकिता जी, आपने जो कार्य आज किया है और जो स्पेक्टेक्युलर वे में ये सेलिब्रेशन किया है ऑफ द अचीवर्स ऑफ दोज हु आर द फ्रंट लाइनर्स, जो हमारे ट्रू वॉरियर्स हैं, सैल्यूट टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. लेट द सेलिब्रेशन कंटिन्यू. थैंक यू. पहले तो मैं कल्याण जी जाना का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा कि आज जैसे बहुत सारे यहाँ पे कोरोना योद्धाओं का बुला के उनका मनोबल बढ़ाया, उनका सम्मान किया. और इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें काम किया है. मेरी भी एक संस्था है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे काम जो है पूरे मीरा भाईंदर में और कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हमने जो भी हमारे संस्था के माध्यम से हो सका हम लोगों ने किया. चाहे वो राशन वितरण का काम हो, चाहे वो और भी कोई ज़रूरतमंद हो, या दवाई या कोई भी हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई ऐसा काम हो, हम सब ने मिलके उसमें अपना पूरा योगदान दिया है. नमस्कार, मेरा नाम गौरव शाह है. लेकिन हिमसा फाउंडर, मैं फाउंडर हूँ और संस्थापक हूँ, अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय. काफ़ी अच्छा लग रहा है ये और देखिए कल जाने का, इसलिए आपको बधाई उनको. मैं सोनाली देशमुख अमरावती से बात कर रही हूँ. मैं अभी तक के बहुत अवार्ड लिए लेकिन ये जो अवार्ड है कोविड-19 का, ये देख के हमको बहुत अच्छा लगा. थैंक यू खान है और मैं गुना टाइम्स न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल का चीफ एडिटर हूँ. ये कोविड-19 का जो योद्धा अवार्ड आज मिला है उसको पाकर काफ़ी खुशी हासिल हुई है. क्योंकि राइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेंड बाय अ सडन फ्लाइट, दे व्हाइल देयर कंपेनियन स्लेप्ट वर टॉयलिंग अपवर्ड इन द नाइट. तो कल्याण जी जाना एक वो व्यक्तित्व हैं जो हर रोज उस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं समाज सेवा के नाम पर. First and foremost, I would like to thank Kalyan Ji Jana for giving us this opportunity and this award. और Kalyan Ji Jana ने यहाँ अवार्ड देने के लिए बोला. मैं रेफ फाउंडेशन से हूँ, प्रेजिडेंट एडवर्ड, मेरा नाम एडवर्ड परेरा है. रमजान शेख, आई एम फ्रॉम ओपेरे फाउंडेशन. जैसे लॉकडाउन हुआ तो मेरे कॉलेज से सपना था कि कोई लोगों के काम आना चाहिए फोन, तो फिर मैंने एक एन जी ओ बनाया जिसका नाम ओपेरे फाउंडेशन है. तो लॉकडाउन में बहुत सारे जो लोग मजदूर गाँव जा रहे थे उनको राशन उनको पहुँचाना हुआ, जो भी सब ने बहुत सारा काम किया. तो ये कल्याण जी जाना ने हमारा प्रोफाइल देखे हमको अवार्ड दिया, उसके लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ. आइकन अवार्ड के लिए कोरोना 2020 के लिए मैं स्माइली सोल फाउंडेशन से हूँ, बीना शाह. एंड हमने बहुत सारे काम किए हैं कोरोना काल के दौरान. ऑलमोस्ट 6 महीने हमने काफ़ी फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड किया है. काफ़ी फैमिलीज़ को एवरी डे हम लोग फूड प्रोवाइड करते थे, कुक फूड प्रोवाइड करते थे, राशन प्रोवाइड करते थे. प्लस काफ़ी हॉस्पिटल्स में भी हमने जाके सैनिटाइजर्स मास्क वगैरह की सेवा दी है. सो बहुत सारे कार्य हमने ये 6 महीने में किया है. बहुत अच्छा है ऐसे योद्धा को उत्तेजन देने के लिए. यह सबसे बड़ा मौका है और कल्याण जानी ने जो कार्य किया है इसको अच्छे से सराहना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवार्ड देने से कार्यकर्ता निर्माण होते हैं, लोगों के अंदर आस्था निर्माण होती है. एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ जायंट्स ग्रुप ऑफ मुंबई वन, जिनकी वर्ल्ड चेयरपर्सन शाइना एनसी मैम है और फाउंडर राबिया पटेल है. एंड मैं फाउंडर हूँ फ्लोरेंट फाउंडेशन की. एंड जिस तरीके कोविड में हमने लोगों की मदद की है, स्पेशली हमारा फोकस था LGBTQ कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमने काफ़ी सपोर्ट किया. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कल्याणी जी एंड फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड. मैं किन्नरमय ट्रस्ट की संचालिका हूँ और मैं महाराष्ट्र ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्ष हूँ और लोक अदालत की पैनल मेंबर भी. और मैं किन्नर समाज से आती हूँ जो दुर्लक्षित समाज है, दुर्गतियों से घिरा हुआ. और कोविड-19 के समय में हमारा समाज और ज़्यादा दुर्गतियों से घिर गया जब उनके पास रेशन, मास्क, सैनिटाइज़र ऐसी कोई चीज़ नहीं थी.